सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए मेरे मैक्रम के लेटेस्ट और यूनिक डिजाइंस के वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए। वेस्टेज बॉटल का एक और नया क्राफ्ट लेकर आई हूँ। ये मैंने टोमेटो सॉस का बॉटल लिया है, 1 kg वाला बॉटल है, और इसके ढक्कन को मैंने रिमूव कर हटा लिया है और इसको अच्छे से सर्फ से या साबुन से धो करके पानी सुखा लिया है। और हम इसमें इस तरह से ये बनाएंगे, इससे इसका यूज मैं एज अ पॉट पॉट की तरह यूज करूंगी। और ये बहुत ये बिल्कुल वेस्टेज है, और इससे अगर पॉट बन जाता है तो एक डेकोरेटिव पीस के तौर पे हम इसे यूज करेंगे। और इसे बनाने के लिए हम नेल पेंट, मैं यहाँ पे कलरिंग के लिए नेल पेंट का यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक कलर हो, ये फैब्रिक कलर, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज नेल पेंट का जितना सारा कलर हो आप उसमें यूज कर सकते हैं। फेविकॉल चाहिए, और मैंने यहाँ पे ये मोती की जो हाफ मोती रहता है इसका मैंने एक लड़ी लिया, ये मैंने 1.5 मीटर लिया है, क्योंकि ये चिपकाने में बहुत आसान होता है, बस काटती और चिपका दी, और ये बहुत सस्ता भी मिलता है। ये मैंने इसे 15 रुपए मीटर पे लिया है, तो ये मेरा 25 रुपए का ये हुआ है ये मोती। और इस तरह का हमको ये स्केच पेन चाहिए, या फिर आप मार्कर ले सकते हैं, ये बच्चों का स्केच पेन है। ये बॉटल पे ये देखिए, ये अच्छे से कलरिंग हो रहा है, मतलब इस पे आपको दिखेगा। और सीजर चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। फर्स्टली हम बॉटल पे, मैंने यहाँ पे 1/2 इंच का एक गोल सा कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने ढक करके गोल सा कट कर लिया है इसको, बिल्कुल 1/2 इंच का है। तो ऊपर जो नेक एरिया है, नेक लाइन, इसमें हम ऐसा गोल गोल डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये गोल सर्कल बना लिया है। फिर ऐसे ही हम सेम यहाँ पे जितना बने ऊपर की लाइन में थोड़ा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ऊपर के लाइन में ये, इसके बाद मैंने 1, 2, 3, 4 इस तरह गोल बना लिया है। और पूरे में हम पूरे बॉटल पे ऐसे ही हम गोल गोल बना लेंगे। तो दो गोल जो है, दो सर्कल जो मैंने ड्रॉ किया है, उसके बीच हम थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ते हुए इस तरह का गोलाई बना लेंगे। देखिए फ्रेंड, सेकेंड लाइन में मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकाला है, और ऊपर की लाइन में 5 था, 1, 2, 3, 4, 5, ऊपर की लाइन में 6, फिर 6 हुआ, क्योंकि ये क्या है कि ये पतले से थोड़ा चौड़ा होते जा रहा है, यहाँ पे गोल मतलब यहाँ पे सर्कल की संख्या बढ़ते जाएगी। तो इसी तरह से हम सेम ऐसे ही कर लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस देके थर्ड लाइन भी ऐसे ही बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पूरे में मैंने
से ऐसे पूरा में पूरे बॉटल में गोल 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 सर्कल बना लिए हैं। अब कलर करने के लिए नेल पेंट लेंगे और इस तरह से ये जो गोल भाग है इसके हम पूरे में अच्छे से कलर लगा लेते हैं। फ्रेंड्स एक ब्लू कलरिंग करेंगे, उसके बाद सारा कलर, फिर एक मल्टी, इस तरह से हम इसमें मल्टी कलर लगाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ये सेकेंड लाइन में मैंने आपको मल्टी कलर में कलर करके बताया है। पहले मैंने येलो डाला है, फिर ग्रीन है, फिर ब्लू है, फिर पिंक है, फिर ऑरेंज है और फिर यहाँ पे रेड आया है। तो इस तरह से ये एक लाइन हो गया है। इस तरह से पूरे बॉटल को हम कलर कर लेके और सूखने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे बॉटल में इस तरह से गोल गोल बना करके और पेंट कर लिया है। तो देखिए, आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं एज अ फ्लावर वेस। देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं एज अ फ्लावर पॉट। इसके अंदर हम इस तरह से फ्लावर डाल सकते हैं सिंपल। देखिए, ये भी सुंदर लग रहा है देखने में और हम इसको डेकोरेट करके भी डेकोरेट भी कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ कोई कोई कलर पे इस तरह से ये गोल गोल बनाऊंगी, तो ब्लू और रेड रहेगा या कोई और भी कलर आप ले सकते हैं फेविकोल से।
देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे जो बीच का गोल गोल सर्कल है जिसमें मैंने चारों तरफ मोती नहीं लगाया है, उसके बीच में मैं फेविकोल डाल करके और इसमें मैं एक एक मोती लगाऊंगी। चिपकाना है हमको एक एक मोती पूरे में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये सेंटर पीस बना करके तैयार किया है और यहाँ पे मैंने ये जो खाली वाला जो गोल गोल राउंड है इसमें मैंने एक मोती लगा दिया है और कहीं कहीं पे मैंने पूरे में मोती, इस तरह से इसको मैंने सेंटर पीस को डेकोरेट किया है। आप इसको एज अ सेंटर पीस यूज कर सकते हैं या फिर इसमें फ्लावर भी आप डाल सकते हैं इसके होल में। मैं आपको फ्लावर भी डाल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसमें फ्लावर भी लगा सकते हैं और ये एज अ फ्लावर पॉट भी बहुत अच्छा रहेगा और एज अ सेंटर पीस भी ये बहुत खूबसूरत रहेगा। आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियोज डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।